हम आपको खुश आमदेद कहते हैं ग्राफ थेरी एंड एल्गोरिथम्स के एक नए एपिसोड के अंदर जैसा कि आप जानते हैं इस कोर्स के अंदर ग्राफ्ट थेरी एल्गोरिथम्स के इस कोर्स के अंदर मैं आपको ग्राफ थेरी के कुछ आइडियाज़ देने की कोशिश करता हूँ हम कुछ एल्गोरिथम्स डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं हम कुछ थेरम्स प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसमें हमारी हेल्प करते हैं यासिर हाशमी थिंकिंग के हवाले से आ, हमारी हेल्प करती हैं कोमल सवाल पूछने के हवाले से सवालों के जवाब देने के हवाले से तो इससे पहले कि आज हम अपना नया एपिसोड शुरू करें और मैं आपको बताऊं कि आज हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे ये किस तरह से पुराने लेक्चर्स के साथ लास्ट लेक्चर के साथ व्यवस्था होगा मैं कोमल से दरख्वास्त करूँगा कि वो आ, आज के लेक्चर से पहले जो कोटेशन वो हमेशा हमें सुनाती है वो हमें बता दें देश दर्ट टीचर

किसी आइडिया को गलत तरीके से लर्न करने का उससे कि पटरी से उतरने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और वो नॉलेज जो है वो टीचिंग में बहुत मज़ेदार होती है और अगर जो लर्नर्स जिनको जो बहुत नेचुरली आते हैं सही रास्ते पर वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये कहाँ पर कौन किस तरह पटरी से उतर गया तो वो अच्छे टीचर नहीं बन सकते उनको कोशिश करनी पड़ती है उसका मतलब अच्छे टीचर वही बनते हैं जो वर्स्ट लर्नर्स होते हैं ये भी एक लॉजिकल फैलिसी है इसमें लेकिन हो सकता है ये हो तो नाज़रीन फिर आप फैसला कीजिएगा कि आप बेस्ट लर्नर बनना चाहते हैं या बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं अब हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं आ, लास्ट टाइम आपको याद है कि हम हेमिल्टोनियन ग्राफ्स आ, ऐसे ग्राफ जिनमें हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है वो डिस्कस कर रहे थे और हमने ये क्लेम किया था कि हमने दो लेक्चर्स में वो तमाम टॉपिक्स जो हम समझते थे आपके लिए कवर uh, करना एक इंट्रोड्यूस कराना आपके सामने वो हमने ख़त्म कर दिए थे और हमने ये दावा किया था कि अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से लेकिन लास्ट लेक्चर ख़त्म होने के बाद कोमल ने काफ़ी uh, एहतजाज किया और गलिबा यासर ने भी uh, उनका साथ दिया कि कुछ टॉपिक्स हमने कुछ एडवास टॉपिक्स जो आखिर में हमने डिस्कस किए थे उनको शायद हमने बहुत तेज़ी के साथ डिस्कस किया और जितना उनके साथ इंसाफ़ करना चाहिए था वो शायद हम इंसाफ उनके साथ नहीं कर सके तो कमल आपके ख्याल में क्या मसाइल थे जो हमें दोबारा से ये डिस्कस कुछ टॉपिक्स हमें दोबारा डिस्कस करने चाहिए मेरे ख्याल में किसी भी ग्राफ में अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो उनकी कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए वो टूल्स हमारे पास होने चाहिए कि वो सफिट या होंगी तो ठीक है तो इसका मतलब वो हम देखना चाह रहे हैं कि वो टूल्स जो हमने प्रोवाइड किए थे क्या आप उन टूल्स को ऐसी सिचुएशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए थे इससे पता चलेगा कि कितने वर्सेटाइल हैं वो टूल्स और आप उन टूल्स को इस्तेमाल करने में कितनी महारत रखते हैं तो आज हम आ, दो नए टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी तकरीबन उसी टूल को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ग्राफ्स को हेमल्टोनियन के तौर पर हेमल्टोनियन ग्राफ्स के तौर पर क्लिसफाई करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि इनकी सफिशियंट कंडीशन क्या होंगी कि उसमें हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करे और एक ऐसा एलगोरथम भी हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि वो हेमल्टोनियन साइकिल निकल सके ये जो नए टॉपिक्स हम इंट्रोड्यूस हैं इसमें एक तो बाईपार्टाइट ग्राफ में हम वही टूल के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम डायरेक्टेड ग्राफ का भी जिक्र करेंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि वह क्या हालात हैं जिसमें डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एक हेमल्टोन साइकिल एग्जस्ट करता है लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएँ हमें वो टूल्स दोबारा से अपने इस्तेमाल करने की हमें थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए उनके बारे में उनको रिवाइज़ कर लेना चाहिए ये सामने जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसमें वही डिस्क्रिप्शन है उन तमाम आइडियाज़ की उन टूल्स की जो हम अन डायरेक्टेड ग्राफ्ट में अप्लाई करते थे और जिनको हम डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में हम आ, कह रहे हैं पहली बात आप अगर नोट करें इस स्लाइड के ऊपर कि अगर किसी ग्राफ्ट में पी क्लोजर कम्प्लीट हो तो हम ये क्लेम करते हैं कि उसमें एक हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सम अगर एटलीस्ट पी हो दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी ग्राफ में p माइनस वन क्लोजर कम्प्लीट हो तो उसमें फिर एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा उस ग्राफ के अंदर हो सकता है हेमिल्टोनियन साइकिल भी हो लेकिन हम वो निकाल नहीं सकेंगे लेकिन हेमिल्टोनियन पाथ हम निकाल सकेंगे थर्ड जो बात हमने डिस्कस की थी कि अगर किसी ग्राफ में पी प्लस वन क्लोजर कम्प्लीट हो तो फिर हम ये क्लेम करेंगे कि उसमें हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिस अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था लास्ट टाइम तो इसको देखें हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री के है एटलीस्ट के हम कहते हैं अब हम ये करते हैं जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था एक बड़ा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन था जो हमने डिस्कस किया था कि एक एक्स वर्टेक्स एक्सटर्नल वर्टेक्स एक्स को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और वो तमाम वर्टिस से कनेक्ट हो जाता है तो अब ये जो नया ग्राफ बना है इसमें वर्टिस की तादाद पी प्लस वन हो गई है पहले पी थी जनरल ग्राफ के अंदर जी के अंदर अब ये पी प्लस वन होगी एक्स इसमें ऐड हो गया अब नाजरीन आप ज़रा देखिए कि एक्स वर्टेक्स जो एक्स एड हुआ है इसकी जो डिग्री है वो क्योंकि ये तमाम वर्टस से ग्राफ जी के तमाम वर्टिस से पी वर्टिस से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री पी होगी बाकी सारे वर्टिस की डिग्री एक बढ़ जाएगी तो अब आप देखें कि हर वर्टिक्स की डिग्री के प्लस वन हो जाएगी अब अगर हर वर्टिक्स की डिग्री के प्लस वन हो गई है तो इसका वो वो कौन से हालात हैं जब इस एक्स प्लस जी ग्राफ के अंदर एक हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा हम ये देखना चाह रहे हैं इसलिए कि अगर इस नए ग्राफ के अंदर इस एक्स प्लस जी ग्राफ के अंदर हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा तो फिर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ग्राफ के अंदर एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा और वो कैसे आप ये सोच सकते हैं आप एक्स को हटा दें तो वो साइकिल टूट जाएगा और एक हेमिल्टोनियन पाथ रह जाएगा अब आप देखें कि ये जो नया ग्राफ है एक्स प्लस जी वाला ग्राफ इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री x के अलावा जो ओरिजिनल वर्टिस थे ग्राफ के उनकी डिग्री के प्लस वन हो गई है तो कोमल ये बताइए कि ये के प्लस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो नया ग्राफ बनाए एक्स प्लस जी ग्राफ वो उसमें हेमल्टिन साइकिल एग्जिस्ट करें प्लस वन की वैल्यू कमस कम अज़ कम पी प्लस वन बाई तो होनी चाहिए जी तो नाजन ये मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ तख्ती के ऊपर कि के की वैल्यू वैल्यू पी जैसा कोमल ने कहा P plus one by two, ने चाहिए P plus one इसलिए इन्होंने किया है कि टोटल की अब P plus one हो ना। यहां से आप अगर तो वो आ, बड़ी से आप देख सकते हैं इसका मतलब कि इस ग्राफ में अगर पी माइनस वन क्लोयर कंप्लीट हुआ तो ये जो नया ग्राफ है एक्स प्लस टी इसमें एग्जिस्ट करेगा और जो हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे अगला रिजल्ट आप देखें ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम एक वर्टेक्स एक्स ऐड करते हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है ग्राफ के अंदर और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई हेमिल्टोनियन साइकिल ऐसा होगा या हेमिल्टोनियन पाथ ऐसा होगा जो यू से गुजरता हुआ वी तक पहुंचता हो तो ये जो नया ग्राफ आपको नजर आ रहा है नाजरीन टॉप राइट कॉर्नर के अंदर इसमें अगर हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये जो ग्राफ है ये राइट ग्राफ जो है ये x प्लस जी ग्राफ है इसमें अगर हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिनल ग्राफ में एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा जो u से शुरू करेगा और v पे आके खत्म होगा अब इसमें आप देखिए कि इसमें भी वही सवाल है कोमल ने जो, जिस सवाल का जवाब दिया था लेकिन यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा तब्दील हो गया कि इसमें u और v वर्टिस की डिग्री बढ़ी है वो k प्लस वन हो गई है x की डिग्री अभी तक टू है हम देखना ये चाहते हैं कि के की वैल्यू क्या हो कि इसका p प्लस वन क्लोजर कंप्लीट हो जाए अब आप नाजरीन ये देखिए कि अगर हम इसको दो तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं कि दो वर्टसज के जो कम वर्टसिज़ कम डिग्री के वर्टसज हैं अभी एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाए दो वर्टसिज हम ले लेते हैं जिनकी डिग्री आ, के और के है इन दोनों की डिग्री हम टू हो जाएगा तो आ, इसका मतलब यह कि ये टू की वैल्यू जो है वो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको तखती पर लिख रहा हूँ टू के की वैल्यू p प्लस वन के बराबर होनी चाहिए आ, इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू जो है वो p प्लस वन आ, बाई टू के बराबर होनी चाहिए अगर k की वैल्यू p प्लस वन बाई टू के बराबर हुई तो नाजरीन आप ज़रा ये सोचिए और मैं कोमल से भी ये सवाल करता हूँ कि अगर ओरिजिनल ग्राफ में k की वैल्यू p प्लस वन बाई टू हो गई तो फिर जो हमारा g प्लस एक्स ग्राफ है क्या वो उसमें हेमिल्टोनियन साइकिल हर सूरत में एग्जिस्ट करेगा uh, सवाल नंबर एक और क्या वो हेमल्टोन साइकिल हम निकाल सकेंगे ये तो, ये तो बात तय है कि अगर इसमें हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा जी प्लस एक्स uh, में तो फिर जी के अंदर हेमल्टोन पाथ एग्जिस्ट करेगा जो यू से वी तक uh, यू से शुरू होगा और वी पे ख़त्म होगा तो कोमल आप ये बताइए कि क्या हमारे पास ये गारंटी है कि जी प्लस एक्स के अंदर हेमल्टोन साइकिल एग्जिस्ट करेगा प्रोवाइडेड जी के अंदर हर वर्टिक्स की डिग्री पी प्लस आई थिंक आप इस चीज़ को ओवर लोक करें कि x की वैल्यू तो अभी डिग्री टू ही है तो नाजरीन ये देखिए आप ये आ, बिल्कुल सही इतराज़ किया कोमल ने और आपके जहन में भी आ, इस चीज़ से परेशानी होनी चाहिए कि जब तक हम ये साबित ना कर दें कि हर वर्टिक्स की डिग्री आ, या तो p बाई टू है या दो वर्टस की डिग्री का सम जो है वो p के बराबर है जब तक हम हेमल्टन साइकिल निकाल नहीं सकते और ये कह नहीं सकते के सफिशेंट कंडीशन एग्जस्ट करती है कि इसके अंदर हेमट्रॉनिक साइकिल एग्जस्ट करेगा अब आप ये देखिए नाज़रीन कि ग्राफ जी प्लस एक्स के अंदर X एक ऐसा वर्टेक्स है जि जिसकी डिग्री अभी तक सिर्फ टू है बाकी सारे वर्ट की डिग्री पी प्लस वन बाई टू होगी या इससे ज़्यादा होगी तो जब पी प्लस होगी तो इसका मतलब ये कि उनको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाऊँ तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे आ, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जब ये कनेक्शन होते जाएंगे ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा ये भी आपस में तो ये जो ग्राफ एक्स के अलावा जो ग्राफ है ये कंप्लीटली कनेक्टेड हो जाएगा ये सारे आपस में कनेक्ट ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे जब ये कंप्लीटली कनेक्टेड हो जाएगा तो फिर ये बाकी सारे वर्टसेज एक्स के अलावा जितने वर्टसेस थे उनकी डिग्री पी माइनस वन हो जाएगी और वो एक कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ की तरह बिहेव करेंगे अब जब ये डिग्री पी माइनस वन हो जाएगी अब अगर आप किसी एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री पी माइनस वन है उसको अगर आप एक्स के साथ उसकी डिग्री को जमा करें तो एक्स की डिग्री प्लस टू है इसमें तो ये मिला के हो जाएगा पी प्लस वन तो इसका मतलब यह है कि फिर एक्स भी इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये एक कम्पलीटली कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा जिसमें वर्टिस की तादाद पी प्लस होगी यहाँ पर आप हेमिल्टोनियन साइकिल निकाल सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम पहले निकालते थे और जब इस ग्राफ में हेमल्टोनियन साइकिल निकल आएगा तो फिर हम ओरिजिनल ग्राफ के अंदर भी हेमल्टोनियन पाथ निकाल सकते हैं जो U से शुरू होगा और V पे ख़त्म होगा तो नाजरन ये एक पॉइंट था जो हम दोबारा डिस्कस करना चाह रहे थे हमने लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा रश करने की कोशिश की थी ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी हेमल्टोनियन ग्राफ्स की डेफिशन में कर चुका पी क्लोजर की बात भी हो गई हेमिल्टोनियन कनेक्टेड की हमने बात की थी कि अगर पी ये भी हमने अभी बात की अगर पी प्लस वन क्लोजर कम्प्लीट हो किसी ग्राफ का तो उसमें हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा थ्रू एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस हमने मुरिश कनेक्टेड ग्राफ्स का भी जिक्र किया था और मुरिश का नाम मैंने इस्तेमाल किया था उन ग्राफ्स के लिए जो स्पेन के मुसलमानों ने जो पैटर्न ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए थे उनमें ये ग्राफ आठ वर्टिसेस का एक सीमेट्रिकल ग्राफ रेगुलर ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो उसके हवाले से हमने ये नाम दिया था उसकी डेफिनेशन यह है कि एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है थ्रू एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस और हो सकता है मुरिश कनेक्टेड ग्राफ जो है वो हेमिल्टोनियन कनेक्टेड ग्राफ ना हो तो ये कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी उसके बाद फिर हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था ये मैं वही मूरिश पैटर्न आपको जोमेटिकल पैटर्न दिखा रहा हूँ जो स्पेन में आपको मूरिश आर्किटेक्चर में आपको बहुत नज़र आता है इसमें फिर हमने आ, ये भी डिस्कस किया था कि ये एक ग्राफ है जिसमें आठ वर्टिस हैं और रेगुलर ग्राफ है ये एक इस रेगुलर ग्राफ के अंदर आप देखिए कि इसमें हर वर्टिक्स की डिग्री पी बाई टू है फोर है तो अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं ये देखना चाह रहे हैं ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलके कि क्या इसमें एक हेमल्टोन पाथ एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू वर्टिस तो अगर हम इन दो वर्टिस के दरमियान ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं आ, ये दो वर्टसज जो हैं ये एडजस्टेंट हैं देखें ये वर्टिक्स और ये वर्टिक्स दोनों एडजस्टेंट हैं हम वही तरीका इख्तियार करते हैं वही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं कि एक्स को एक नए एक्सटर्नल वर्टिक्स एक्स को कनेक्ट कर देते हैं दो के साथ इनकी डिग्री जो है वो अब फोर से फाइव हो जाती है पहले फोर थी अब फाइव हो जाती है एक्स की डिग्री अभी तक टू है तो अब आप नाजन ये देखिए कि अगर ये नया जो ग्राफ बना है जो जिसमें एक्स ऐड कर दिया ये अगर पी प्लस इसका अगर पी प्लस वन क्लोजर कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि औरिजिनल ग्राफ के अंदर एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा और वो कैसे कम्प्लीट होगा इसकी डिग्री देखें फाइव हो गई है इसकी डिग्री भी फाइव हो गई है बाकी वर्थसिस की डिग्री फोर है तो ये उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से इसकी डिग्री अब सिक्स हो गई है तो ये बाकियों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला जब आप जारी रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ ये वाला ग्राफ एक कंप्लीटली कनेक्टेड पहले बनेगा और उसके बाद फिर यह एक्स के साथ भी कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और ये कंप्लीटली कनेक्टेड पी प्लस या आर आठ प्स वन एट प्लस वन नाइन वर्टिस का कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा इसका मतलब यह कि इसमें पी प्लस वन क्लोजियर कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब यह कि इसमें हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा और इसका मतलब यह कि इसके जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा यहां पर हम यही ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहां पर हमने जो दो वर्टिस सिलेक्ट किए हैं वो अब नॉन एडजस्टेंट थे इनके درمیان एज एग्जिस्ट नहीं करती अब आप नाजरीन देखें कि यहां पर क्या होगा यहाँ पर भी इसी तरह ही होगा कि ये डिग्री फाइव हो गई है यहाँ पे यहाँ भी डिग्री फाइव हो गई है ये फोर के डिग्री के वर्टेक्स के साथ यहाँ पी प्लस वन की वैल्यू पी प्लस वन की वैल्यू नाइन हो गई ना तो यहाँ पर भी सम नाइन होगा ये उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और जब ये कनेक्ट होगा तो ये आपस में भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे अल्टीमेटली ये एक कम्प्लीटली कनेक्टेड एट वर्टिसज़ का ग्राफ बन जाएगा और उसके बाद फिर ये एक्स के साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ये कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा नाइन वर्टिसज का और इसमें हेमल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा बिटवीन आप ये करके देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ पेयर्स पे आप ट्राई कर लें सिमेट्रिकल ग्राफ है रेगुलर ग्राफ है आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये मुमकिन होगा अब हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या किसी रेगुलर ग्राफ में जिसमें डिग्री एट हो और जिसमें डिग्री फोर हो और एट वर्टसिस हों उसके अंदर क्या ये मुमकिन है कि एडजसेंट वर्टस नॉन एडजस्टेंट वर्टसिज के दरमियान भी हेमल्टोन पात हो और एडजेंट वर्टसिज के दरिया भी हेमल्टोनियन पात हो अगर एडजस्टेंट वर्टिस के दरियान हेमल्टोनियन पात हो तो इसका मतलब उसमें हेमल्टन साइकिल भी इन दो वर्टस से गुजरता हुआ होगा जिसको हम मुरिश कनेक्ट कहते हैं आ, इसी तरह से आप ये आ, देखें इसको आ, आगे बढ़ा रहे हैं हम अब आप इस क्राफ्ट को अगर गौर से देखने की कोशिश करें ये एक मुरिश कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें मज़े की बात यह है इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हेमिल्टोनियन कनेक्टेड नहीं है और नाजरीन ये देखें हेमिल्टोनियन कनेक्टेड ये क्यों नहीं है यहाँ पे डिग्री फाइव हो गई है यहाँ पे भी डिग्री फाइव हो गई है ये तो एडजसेंट वर्टस हैं दोनों कनेक्टेड हैं जब ये डिग्री फाइव हो गई है तो ये इनके साथ आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे ये इसके साथ मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप देखें कि किस तरीके से ये और वर्टिस के साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा मिसाल के तौर पे इसकी डिग्री क्योंकि फाइव हो गई है तो ये इसके साथ मिल जाएगा ये इसके साथ मिल जाएगा ये इसके साथ मिल जाएगा और अल्टीमेटली ये एक कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये आप चेक कर सकते हैं ख़ुद से आप कनेक्शनस बनाने की कोशिश करें कोई से दो एडजस्टेंट वर्टस पकड़ लें क्योंकि ये रेगुलर ग्राफ है तो आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा दफा नहीं करनी पड़ेगी अब हम ये एक्सरसाइज करके देखते हैं इसी ग्राफ के ऊपर लेकिन दो नॉन एडजेसेंट टू नॉन एडजेसेंट ये देखें नाजन ये दो नॉन एडजेसेंट वर्डिस पकड़े ये खास तरह का वन ऑफ दी रेगुलर ग्राफ जिसकी डिग्री फोर है और तमाम वर्डस की तादाद आ, एट के बराबर है अब आप देखें इसमें कुछ मजेदार चीज़ होती है आपको तोज्ह इसकी तरफ देनी चाहिए ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इसके बाद ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा और ये भी आपस में लेकिन अभी तक ये एक कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ नहीं बना और ना ये कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ बन सकता है ये अब जाके ये रुक गया है प्रोसेस ये प्रोसेस यहाँ पे कैसे रुक जाता है और वहाँ पर क्यों नहीं रुकता इसका आ, नाजरीन आप जरा सोचें इसके बारे में बड़ी मज़ेदार सिचुएशन बन गई है और ये इसका क्या जस्टिफिकेशन है आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा इसको अगर मैं एक और तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूं इनफेक्ट ये एक बाईपार्टाइट ग्राफ है और बाइपार्टाइट ग्राफ में जब आप आ, एक साइड पे काम कर रहे होते हैं मिसाल के तौर तो पे अगर हम यहाँ पर एक एक्स लगा के यहाँ पे लगाएं यहाँ पर और यहाँ पे लगाएं तो देखें यहाँ पे एक एज कनेक्ट होगी फिर ये एज यहाँ से कनेक्ट होगा फिर ये यहाँ से कनेक्ट होगा फिर ये यहाँ से कनेक्ट होगा फिर ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा लेकिन बाकी जगह पे कुछ नहीं हो सकता इसलिए कि बाकी वर्टिसेस इन वर्टिसेस आपस में पहले से कनेक्टेड हैं तो ये देखें ये कैसा मज़ेदार सिचुएशन बनी है जो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये एक बाईपार्टाइट ग्राफ था तो इसके जो एक पार्टाइट था जो एक साइड थी पार्टाइट की उसके वर्टसिस की डिग्री नहीं बढ़ती तो इस वजह से ये एक ख़ास सीमिट्री की वजह से ये आ, मुरिश कनेक्टेड तो होता है लेकिन हेमिल्टोनियन कनेक्टेड नहीं होता बाकी आपने जितने भी ग्राफ्स आप देखेंगे बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं एट वर्टिस के जिनकी डिग्री फोर हो रेगुलर ग्राफ उन सब में ये होगा कि जो मुरिश कनेक्टेड हैं वो हेमिल्टोनियन कनेक्टेड भी होंगे सिर्फ ये वाहद एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ये आ, मुरिश कनेक्टेड होगा लेकिन हेमिल्टोनियन कनेक्टेड नहीं होगा अगर आप टेन वर्टिस का ग्राफ बनाएं या ट्वेल्व वर्टिस का ग्राफ बनाएं जिसमें डिग्री ट्वेल्व वर्टिस के ग्राफ में डिग्री सिक्स हो या टेन वर्टिस के ग्राफ में डिग्री फाइव हो तो उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जितने भी रेगुलर ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे हेमिल्टोनियन कनेक्टेड भी होंगे मुरिश कनेक्टेड भी होंगे सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगी और वो एक्सेप्शन उस वक्त होगी जब वो रेगुलर ग्राफ बाईपार्टाइट ग्राफ भी होगा तो यहाँ पे एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ हमें नज़र आती है कि जब ग्राफ बाईपार्टाइट के तौर पर बन जाता है हो जाता है होता है तो उसमें कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और उनको स्टडी करने में एक एक सिमेट्रिकल चीज़ आपको नज़र आती है आ, तो नाज्रीन अब हम रिवाइज कर लें अपने कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यही टूल्स जो हमने डिवाइस किए हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए ये किस तरह से एप्लीकेबल हैं बाई ग्राफ्स के लिए तो ये आपको नज़र आ रहा है आप स्लाइड देखिए कि अगर किसी ग्राफ्ट के अंदर डिग्री सम आ, हर पेयर ऑफ वर्थिस्ट का एटलीस्ट हो तो वो हेमिल्टोन होगा और हमने इसके बारे में आपको टूल प्रोवाइड की थी आप्रूव भी कर सकते हैं हम एक एफिशेंट कैलगोरिथिम भी निकाल सकते हैं वो हेमिल्टोनियन साइकिल निकालने के लिए जो उस ग्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है अब सवाल यह कि बाईपार्टाइट ग्राफ में ये सारा कुछ सीन जो तब्दील होगा तो उसमें जो हमारे टूल्स हैं वो किस तरह तब्दील होंगे जो हमारा एल्गोरिथम है वो किस तरह से तब्दील होगा तो सवाल यह कि एक आम ग्राफ में और एक बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या फ़र्क है और यह फ़र्क किस तरह रिफ्लेक्ट होगा उस एल्गोरिथम के अंदर और उस प्रूफ के अंदर और नई और कंडीशन क्या होंगी किसी ग्राफ के लिए हम ये साबित करने के लिए कि ये, आ, है तो उसके लिए क्या होंगी एक चीज तो बड़ी वाजह है ये आपके सामने एक ग्राफ है हम पहले भी इसको डिफाइन कर चुके हैं कमल बेसिकली क्या बात होती है के के अंदर ग्राफ के, I think, दोनों हाफ को होना चाहिए और या उसके ये तो आपने नहीं बाईपार्टाइट ग्राफ के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था तो उसमें यह है कि दो पार्टाइट होनी चाहिए जी। और उनके दरमियान एजेस हो सकती हैं लेकिन एक पार्टाइट के अंदर एजेस नहीं हो सकती अब आपने जो बात कही है वो ये कि हेमिल्टोनियन साइकिल किसी ग्राफ के अंदर अगर बाईपार्टाइट ग्राफ में एग्जिस्ट करता है या अगर बाईपार्टाइट ग्राफ को हम कह रहे हैं कि यह हेमिल्टोनियन ग्राफ है तो उसके लिए फिर आपने ये एक एक्स्ट्रा बात बताई है कि दोनों हाफ्स का साइज बराबर होना चाहिए इसलिए कि जब आप एक हाफ से दूसरे हाफ़ में जाएंगे हेमिल्टोनियन साइकिल के अंदर जितनी दफ़ा आप ए से बी में जाएंगे उतनी दफ़ा आपको बी से ए में भी आना पड़ेगा ना साइकिल बनाने के लिए तो अगर एक हाफ का साइज छोटा होगा एक हाफ़ का साइज बड़ा होगा तो आप हेमिल्टोनियन साइकिल कभी एग्जिट नहीं करेगा तो दिस इज गोइंग टू बी नेसेसरी कंडीशन कि दोनों हाफ का साइज एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो वर्टस जैसे आपने कहा उनकी तादाद इवन होनी चाहिए अच्छा अब आप ये ज़रा देखिए कि वो जो हमने आ, हमारे पास नॉलेज थी बाईपार्टाइट जनरल ग्राफ्स के बारे में हेमिल्टोनियन साइकिल निकालने के हवाले से वो आप देखें कि किस हद तक एप्लीकेबल हो सकती है आ, हम बात कर रहे हैं कि हेमिल्टोनियन साइकिल के लिए किसी ग्राफ के अंदर किसी बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर हेमिल्टोनियन साइकिल होने के लिए क्या सफिशेंट कंडीशन हैं ये देखें कि अगर हमारे पास एक हेमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है दो वर्तीस के दरमियान मिसाल के तौर पर इस ग्राफ के अंदर हेमिल्टोनियन पाथ कुछ इस तरह से होगा यहाँ से इधर जाए तो यहाँ ये यह टर्मिनल वर्टिक्स हो गया और ये टर्मिनल वर्टिक्स हो गया अब अगर मैं एक हेमिल्टोनियन पाथ हम एज्यूम करें पहले से दिया हुआ है आपको अब अगर मैं एक एज ऐड कर दूँ इन दो वर्टिसेस इन दो टर्मिनल वर्टिसेस के दरमियान तो हेमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म हो जाएगा ठीक है ये पहले भी हमने नोट किया था कि ये इस तरह से होता है उसके बाद हमने कुछ और भी नोट किया था और कुछ और भी हमने करने की कोशिश की थी और वो क्या था जो हमने करने की कोशिश की थी वो इस तरह से था कि क्या हम ये टर्मिनल एज जो हमने टर्मिनल वर्टिस के दरमियान जो एज निकाली थी दो टर्मिनल वर्टिस के दरमियान जिनके के दरमियान हेमिल्टन पार्थ पहले से मौजूद था वो क्या कंडीशन है इस ग्राफ के अंदर डिग्री ऑफ ए वर्टिक्स कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए कि अगर ये एज हम हटा भी दें तो फिर भी एक हेमिल्टोनियन साइकिल उसमें एग्जिस्ट करे सारा कुछ इसी से घूमता था ना ये था हमारा। तो कैन बी रिमूव में देखें, this, uh, वो क्या हम ये करना हैं। और यही कुछ हमने एक जनरल भी किया था अब आप देखें कि ये मैंने बाइपार्टाइट ग्राफ शो किया हुआ है और उसमें जो मुख्तलिटाइट है उनको मैंने इंडिकेट कर दिया था कि आप ऊपर uh, का जो ग्राफ है उसमें डॉटेड uh, एजेस जो हैं वो बाईपार्टाइट ग्राफ्स में अलाउड नहीं है ये नाजरीन आप जानते हैं नहीं तो वो बाईपार्टाइट रहेगा नहीं ना एक पार्टाइट के दरमियान जो के अंदर जो वर्टिस हैं उनके दरमियान कोई एज नहीं होनी चाहिए एक पार्टाइट से दूसरी पार्टाइट पर एजेस जा सकती हैं तो ये जो मैंने यहाँ पर शो की हुई हैं एजेस डॉटेड लाइन से ये वो एजेस हैं जो बाईपार्टाइट ग्राफ में जिनकी इजाज़त नहीं है तो अब यह हुआ कि जनरल ग्राफ से यह किस तरह मुख्तलि हुआ ये यहीं आपको नजर आ रहा है कि अब अगर हम दो टर्मिनल जो वर्टिसज थे ये जो टर्मिनल वर्टिसज थे आपके सामने मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ ये जो दो टर्मिनल वर्टस थे ये और ये इनकी डिग्री क्या हो सवाल ये है अगर हेमल्टनियन पाथ एग्जिस्ट करता है पहले से दिया हुआ है हमें तो उसके बाद हम ये कह सकें कि अगर इतनी अमाउंट हो जाए कम अज़ कम इनकी डिग्री एट लीस्ट दोनों वर्टिस की टर्मिनल वर्टिसज की इतनी हो जाए तो इसमें हेमिल्टोजन साइकिल भी एग्जिस्ट करेगा ये हम निकालना चाह रहे हैं तो अब आप देखें कि सब जगह आप एजेस डाल नहीं सकते तो जो आपकी अब जो कंडीशंस निकलेंगी वो ज़्यादा रिलैक्स कंडीशंस होंगी ये आप देखें हम वही पज़ल दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं जो हमने जनरल ग्राफ के लिए सोल्व किया था कि हम एजिस डालते हैं टर्मिनल वर्टिक्स से एक नॉन टर्मिनल वर्टिक्स पे एज डालते हैं और फिर दूसरे टर्मिनल वर्टेक्स से एक और एज डालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो जो फिगर ऑफ एट बन जाता था ना वो ना बन सके किसी तरीके से वही पजल हम सॉल्व कर रहे हैं और एक ऐसी स्टेज आएगी नाजरीन आप खुद से करके देखें जब तक आप खुद से ये करके नहीं देखेंगे आप इसको सही मानों में अप्रीशियेट नहीं कर सकेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप अगर कोई भी एज डालेंगे कोई भी एज टर्मिनल वर्टेक्स और नॉन टर्मिनल वर्टेक्स के दरमियान डालेंगे तो हेमिल्टोनियन साइकिल फिगर ऑफ एट के थ्रू हर हाल में बन जाएगा वो कंडीशन हम देखना चाह रहे हैं हम देखना चाह रहे हैं कि यू वन और UP की क्या डिग्री हो कम अज़ कम क्या डिग्री हो कि वो फिगर ऑफ एट जो है वो जस्ट बन जाए और अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो फिर वो फिगर ऑफ एट नहीं बनेगा तो यहाँ से हम बिल्कुल उन्हीं रूल्स के तहत उन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए जैसे हमने जनरल ग्राफ्स में किया था हम ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ग्राफ में किसी बाईपार्टाइट ग्राफ में आ, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो कि हमारे पास एक हेमल्टोनियन साइकिल बन जाए और वो उसी तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं और उसी तरीके से उन्हीं एल्गोरेमिक तरीके से आप वो हेमल्टोनियन साइकिल निकाल भी सकते हैं तो एल्गोरिथम और प्रूफ दोनों एक साथ चलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रूफ की हम बात कर रहे तो नाजिन अब आपने ये खुद से जज कर लिया होगा हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक बाईप ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्थ की तादाद पी है और पी जो है वह टू के बराबर है और 2n हम क्यों कह रहे हैं जैसा कि कोमल ने कहा था कि वर्टिसेस की तादाद इवन होनी चाहिए तो इसलिए इसकी तादाद n वर्टिसेस जो हैं वो एक पार्टाइट में होंगे n वर्टिसेस दूसरे पार्टाइट में होंगे और अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि फॉर ए बैलेंस बाई ग्राफ डिग्री सम ऑफ एवरी पेयर ऑफ वर्टिस अगर एट लीस्ट होगी तो वह हेमिल्टोनियन होगा ये बिल्कुल उसी रीजनिंग के हवाले से है जो हमने रीजनिंग पहले दी थी और हम इसको साबित भी कर सकते हैं और वही एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि अगर एन क्लोजर कम्प्लीट है या दूसरे अल्फाज में पी बाई टू क्लोजर कम्प्लीट है तो अब हम जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी वो और कम हो गई है अगर सम ऑफ दी डिग्रीज ऑफ टू वर्टसज इज़ पहले हम पी कहते थे हम पी बाई टू कह रहे हैं या एन एन कह रहे हैं तो वो अगर हो जाए तो उस ग्राफ के अंदर उस बाईपार्टाइट ग्राफ को आप हेमल्टोनियन बाईपार्टाइट ग्राफ कह सकते हैं और इसका क्लोयर कंप्लीट हो जाएगा एक कंप्लीट कम्प्लीटली कनेक्टेड बाईपार ग्राफ बन जाएगा और वहाँ से आप हेमल्टोन साइकिल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उसके बाद आप बारी बारी एजेस को डिलीट करते जाएं, और जिस तरह हमने पहले किया था आप एक हेमल्टोन साइकल निकाल सकते हैं जो एक्चुअल ग्राफ की एज़िस से पास कर रहा होगा जो एक्स्ट्रा इंसर्टिड एजस से पास नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पर आपने नाजिन देखा कि किस तरीके से हमारी जो पुरानी टूल थी वो कितनी आसानी के साथ कितनी एफ़िशंटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है बाईपार्टाइट ग्राफ uh, को क्लैसीफाई करने में हेमल्टोनियन सफिशेंट कंडीशंस निकालने में कि वो कौन सी कंडीशन हैं जिसके तहत हम यकीनन कह सकते हैं कि एक बाईपार्टाइट ग्राफ जो है वो हेमल्टोनियन होगा और इसी तरह से एल्गोरिथम भी तो नाजीन अब हम बाईपार्टाइट uh, ग्राफ को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ाना चाहते हैं देखने के लिए हमारा हमारी टूल जो है वो कितनी पावरफुल है और आप इसको इस्तेमाल करने में कितनी महारत रखते हैं हम अब डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं आपको बहुत कम टेक्सट बुक्स ऐसी नजर आएंगी जिसमें हेमिल्टोनियन ग्राफ्स डायरेक्टेड ग्राफ्स की वो क्या सफिशेंट कंडीशन होंगी कि वो हेमिल्टोनियन हो इसको डिटेल से जहाँ डिस्कस किया गया हो लेकिन हम कम अज़ कम कुछ ना कुछ आपके सामने एक एहसास कम अज कम आपको आपकी फीलिंग्स कुछ बन जाएं और फिर आप आगे पढ़ सकें जब, आप, जब आपको ज़रूरत हो ये निकालने के लिए कि डायरेक्टेड ग्राफ किन हालात में हेमिल्टोनियन बन सकता है तो बेसिकली बात यह है कि ये पहले आप सोचने की कोशिश करें अपने जहन में रखने की कोशिश करें यह फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए कि एक डायरेक्टेड ग्राफ और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में फर्क क्या है इसलिए कि अगर तो कोई फर्क नहीं है तो फिर तो हम अपने पुराने टूल किट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तो कोई मसला ही नहीं है लेकिन अगर उनमें फर्क है तो फिर क्या फर्क है और उस फर्क का नतीजा क्या होगा उस वो डिफरेंस कैसे रिफ़्लेक्ट होगा हमारी टूल किट के ऊपर और हम अपने टूल किट को किस तरह मॉडिफाई कर सकेंगे कि हम आ, उसी टूल किट को डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर सफिशेंट कंडीशन निकालने में हेल्प हमें मिल सके और साथ ही हम एक एल्गोरिथम भी डिज़ाइन कर सकें कि जो डायरेक्टेड ग्राफ में हमें हेमिल्टोनियन साइकिल निकाल के दे दे प्रोवाइडेड हम पहले से ये साबित कर दें कि इस ग्राफ के अंदर चूंकि सफिशंट कंडीशंस फ़ुलफिल हो रही हैं तो हर सूरत में एक हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा तो नाजरीन इससे पहले कि हम ये चले मैं आपको वो बेसिक एक्जम्शन आपको बता दूं अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने ये एग्जाम की थी आ, क्या एग्जम्पन की थी हमने कोमल कि हमारे पास सेल्फ रूप नहीं है और पैरेलल एजेस नहीं।, नहीं है और पैरेलल एजेस नहीं है पैरेलल एजेस का मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये था कि एक्स और वाई के दरमियान सिर्फ एक एज है ठीक है ना जी कोमल पैरल एज का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में किया सेल्फ ग्रूप तो वही है कि सेल्फ ग्रूप नहीं होना चाहिए ना अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारी थी होना चाहिए, ना डायरेक्टेड में होना चाहिए आप ये बताएं एज डायरेक्टेड uh, में उसका क्या मतलब होगा कि पैरल नहीं होनी चाहिए डायरेक्टेड का यही मतलब है कि अगर एक्स ए वाई एक वाई तो दूसरी एज नहीं एग्जिस्ट करेगी लेकिन इस केस में एक्स ए वाई जो एज है वो डिफरेंट होगी वाई से X तो आप ये कहना चाहिए अगर तो वाई से एक्स भी एक एज हो सकती है जी तो नाजीन इसका ज़रा आप, आप ख्याल रखिएगा कि ये एक आ, एक छोटा सा फ़र्क है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर एक से वाई एज है तो वाई से एक्स एज हो सकती है लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक्स और वाई के दरमियान सिर्फ़ एक एज हो सकती है अब नाजिन आप जरा देखें जो हमारा बुनियादी जिस पे हम सारा कुछ एक नुकता जिस पे हम सारा कुछ कर रहे थे वो ये था जो आप फिगर ऑफ एट बनती थी ना अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कि हम ये कहते थे ये स्लाइड पे अगर आप आ, गौर से देखें तो इसमें ये फिगर ऑफ एट आपको नज़र आ रहा है और जब फिगर ऑफ एट बन जाता था तो फिर हम हैमिल्टोनियन साइकिल इस तरह से निकाल लेते थे इधर जाएँ इधर जाएं इधर जाएं, जाएं और इधर जाएं ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले से हमारे पास हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता था यहां से लेके यहां तक और उसके बाद अगर फिगर ऑफ एट बन जाता था तो हमारे पास हेमल्टोनियन साइकिल निकल आता था अब आप देखें कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कि एक हेमल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है यू से वी तक और ये वो पाथ दिया हुआ है अब अगर आप यहाँ पर फिगर ऑफ एट बनाएं तो एक एक डायलमा हमें हमें फेस करना पड़ता है मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से यहाँ जाएँ करें एज इस डायरेक्शन में थी तो आप जा सकते हैं यहाँ से आप यहाँ जा कर इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं अगर डायरेक्शन ये हो लेकिन आप उल्टा नहीं जा सकते तो वो सारा फिगर ऑफ एट की जो फैसिलिटी हमारे पास थी वो सारी जो बिल्डिंग इस आइडिया पे हमने कंस्ट्रक्ट की थी वो सारी बिल्डिंग को कर जाती तो अब सवाल ये है कि अब हम कैसे आगे चलें हम वही तरीका क्यों लगाते कि हम डायरेक्टेड को अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर दें ये अब कोमल ने एक नया शोशा छोड़ा है कि जी डायरेक्टेड ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर दें और अनडाइरेक्ट ग्राफ में जो सारे हमारे पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है हेमल्टोन साइकिल निकालने की वो वहाँ पर इस्तेमाल कर लें अब नाज़िन ज़रा आप ये आ, ये ज़रा आप जहन में रखें किरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर हेमल्टोन अगर एक अनडक्टेड ग्राफ के अंदर हेमल्टोन साइकिल एग्जस्ट करता है और उस अनडेड आप एज्यूम करें कि एक हमारे पास साइकिल ग्राफ है इस साइकिल ग्राफ में हेमल्टन साइकिल एग्जस्ट करता है लेकिन अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्शंस डालना शुरू करूं, तो मैं इस तरह से डायरेक्शंस डाल सकता हूं कि ये डायरेक्टर ग्राफ में इसके अंदर साइकिल ख़त्म हो जाए मिसाल के तौर पे ये मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे के बता रहा हूं। ये हमारे पास चार वर्टिसेस का एक ग्राफ है इसके अंदर हम साइकिल एग्जस्ट करता है लेकिन अगर मैं एजज़ इस तरह से डालना शुरू कर दूँ मिसाल के तौर पे ये अगर मैं एडजस्ट डालूँ तो इसके अंदर डायरेक्टेड हेमल्टोन साइकल एक्जिस्ट नहीं करता तो अब कोमल आप अभी तक इसी पे इंसिस्ट करेंगे कि डायरेक्टेड को हम किसी तरीके से अन ग्राफ में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद फिर अगर ये हो जाए तो ये आ, आप नाज्रीन देख सकते हैं कि बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी कि वो सारे जो रूल्स और रेगुलेशनस हैं जो हमारी एक्सपर्टीज़ है जो हमारी बिल्डिंग हमने बनाई है हेमिल्टन साइकिल्स निकालने के लिए और सफिशेंट कंडीशन निकालने के लिए वो सारी इस्तेमाल हो जाएंगी तो क्या अभी भी आप इंसिस्ट करेंगे इस बात पे कि हम डायरेक्टेड ग्राफ को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर लें आई थिंक हमें ऐसा तरीका मिल जाए जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको भी सॉल्व कर दे तो फिर हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेनी चाहिए तो नाजिन अब जरा आप इस पे गौर करें इस इस ख्याल पे गौर करें या इस सजेशन पे गौर करें जो कोमल हमें कह रही हैं कि हम कोई ऐसा तरीका निकालना चाह रहे हैं कि एक डायरेक्टेड ग्राफ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए और कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हेमिल्टोनियन साइकिल है तो फिर हम साबित कर सकें वो तरीका कुछ इस तरह का वो ट्रांसफॉर्मेशन या रिडक्शन कुछ इस किस्म की होनी चाहिए कि हम ये साबित कर सकें कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ में हेमिल्टोनियन साइकिल है तो फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी हेमिल्टोनियन साइकिल होगा और जिसको हम आ, उम्मीद है कि वो उन्हीं तरीकों से निकाल सकेंगे जिन तरीकों से हम पहले निकालते हैं और हम साथ ये भी साबित कर सकें कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ जो हमने ट्रांसफॉर्म करके बनाया है उसमें अगर हेमिल्टोनियन साइकिल है तो फिर डायरेक्टेड ग्राफ में भी हेमिल्टोनियन साइकिल होगा ये साबित कर सकें और उसके साथ साथ फिर हम ये भी कह सकें कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो ट्रांसफॉर्म करके कर बनाए उसमें अगर हमें हेमिल्टोनियन साइकिल अपने तरीकों से मिल गया है तो हम किसी तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ में भी निशानदेही कर सकें कि यहाँ यह हेमिल्टोनियन साइकिल अनडायरेक्टेड ग्राफ में है और यहां यह हेमिलन साइकिल डायरेक्टेड ग्राफ में है तो ये अगर हो सके तो फिर तो यह काफी इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है आ, यासिन मुझे ख्याल है कि आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम एक डायरेक्टेड ग्राफ को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जो मसला मैंने आपको बताया था कि आपको याद है कि मैं डायरेक्शन ऐसी लगा सकता हूँ किसी ग्राफ के अंदर कि अगर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल है तो डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल ना बने वो मसला भी यहाँ पे रिजोल्व हो रहा है अब आप ये देखना ये चाहिए आपको सोचना ये चाहिए कि वो किस तरीके से रिजोल्व हो रहा है यहां आप देखिए कि आपके पास एक वर्टेक्स ए है जिसमें तीन एजेस आ रही हैं इनकमिंग एजेस हैं एक एज बाहर जा रही है इस नोट को हमने ट्रांसफॉर्म किया है और ग्राफ के हर नोट को हमें इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस तरीके से कि ये एक नोट ए जो था इसको हमने तीन नोट में डिवाइड कर दिया जिसमें एक ए है और ए वन अनडायरेक्टेड अब नोट बन गया है कि उसके जो अंदर आ रही थी एजेस वो अब ए वन में आ रही हैं और वो अंदर आने का अब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इसलिए कि अनडायरेक्टेड बन गया लेकिन जो डायरेक्टेड ग्राफ था उसमें तो अंदर आने का कॉन्सेप्ट था और बाहर जाने का कॉन्सेप्ट था और जो बाहर एजेस जा रही थी डायरेक्टेड ग्राफ में ए वर्टिक से वो अब ए टू से बाहर जा रही है तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो डायरेक्टेड से अनडायरेक्टेड ग्राफ में ट्रांसफॉर्म होकर बनेगा रिड्यूस होकर बनेगा अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ में हेमल्टोनियन साइकिल है तो फिर डायरेक्टेड ग्राफ में भी होगा अगर डायरेक्टेड ग्राफ में है तो फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी होगा ये हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे नाजीन आप देखिए ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है एक हेमल्टोनियन साइकिल पहले से एग्जिस्ट करता है और वो हेमल्टोनियन साइकिल ये ये आपको नजर आ रहा है अब आप देखिए कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्टेड ग्राफ में भी एक हेमिल्टोनियन साइकिल होगा जो सारे वर्टिस से गुजरेगा ये यासर ये सोचने वाली बात है कि वो अगर ए वर्टेक्स से गुजर रहा है डायरेक्टेड ग्राफ में तो वो ए वन से भी गुजरेगा ए से भी गुजरेगा और ए टू से भी गुजरेगा तो यहां पे आप बड़ी आसानी से निशानदेही कर सकते हैं उस हेमल्टोनियन साइकिल की जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में से गुजर रहा यह हमने देखा कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ में हेमल्टोनियन साइकिल है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी हेमिल्टोनियन साइकिल होगा जो डायरेक्टेड ग्राफ में हेमल्टोनियन साइकिल चार वर्टिस से गुजर रहे और अनडायरेक्टेड ग्राफ में हेमल्टोनियन साइकिल से गुजर रहा होगा अब आप दूसरी देखें यहाँ पर हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता डायरेक्टेड ग्राफ में हेमल्ट साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता अब आप देखें कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो या सिर्फ आपका क्या ख्याल है इस तरीके को हम कितना एक्सप्लॉय इस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको इस्तेमाल करके आ, क्या डायरेक्टर ग्राफ के बारे में भी ये बता सकते हैं कि ये आ, इसमें हेमिलन साइकिल था या नहीं था या होगा या नहीं होगा मेरा ख़्याल है बता सकते हैं आ, सिर्फ मैं क्योंकि हमारा मेथड जो था वो आ, पी पे डिपेंड करता था और यहाँ पे हम पी का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने में तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लेकिन मुझे तो लगता है कि हो जाएगा जी नाजीन तो आ, यासर ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ था उसमें पी वर्तीस थे और जो हमारा अनडायरेक्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाए उसमें थ्री पी आ गए अब आ, इसके अंदर थ्री पी क्लोजर कंप्लीट करना पड़ेगा हमें और उसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ एजेस फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और वहां आके ये तरीका जो है वो ऑलमोस्ट हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करता इनफेक्ट आ, हमें महसूस होता है कि ये तो इतनी ज़्यादा एजस डिमांड करता है कि फिर तो वो एक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ बन जाता है और हम हम फिर कह सकते हैं कि ये इतना मज़ेदार इस्तेमाल होने में बेसिकली ये एक नेगेटिव रिज़ल्ट है इसको इस्तेमाल रिज़ल्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है ये कहने में कि अगर आ, हम निकाल सकते हैं हेमल्टोन साइकिल डायरेक्टेड ग्राफ में अगर किसी ग्राफ में हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी एग्जिस्ट करेगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट के तौर तो पे तो इस्तेमाल हो सकता है कि अगर यहां निकल सकता है तो यहाँ भी निकल सकता है लेकिन वो कैसे निकल सकता है ये हमें पता नहीं है और अगर यहां निकालना बहुत मुश्किल है तो फिर यहाँ निकालना भी तो इस लिहाज से यह एक नगेटिव रिजल्ट तो अब इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए डायरेक्टेड ग्राफ्ट को ये इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम समझ रहे थे और हम अपनी बुनियादी डेफिनीशन से चलते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ को हम वीकली कनेक्टेड कहते हैं अगर उसका जो ग्राफ है हटा दें आप तो जो अंडरलाइंग बनेगा वो तो कनेक्टेड होना चाहिए ना अगर वही कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो आप हेमिल डायरेक्टेड ग्राफ में नहीं निकाल सकते तो एक बुनियादी शर्त तो नेसेसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं दूसरी बात यह कि डायरेक्टेड ग्राफ को स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड भी होना चाहिए और स्ट्रोंगली कनेक्टेड करने का मतलब क्या है स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब यह है कि आप किसी वर्टिक्स से किसी भी वर्टिक्स तक जा सकते हो एक पाथ एग्जस्ट करता हो जाहिर है अगर आप एक, एक ख़ास वर्टिक्स से कहीं जा ही नहीं सकते तो फिर उसमें हेमल्टोनियन साइकिल तो एग्जस्ट कर ही नहीं सकता तो स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब यह है कि आप हर वर्टिक्स से हर वर्टिक्स तक जा सकते हैं ये एक नेसेसरी कंडीशन है हेमल्टोनियन है ग्राफ के लिए ये सफिशेंट कंडीशन तो नहीं है और सफिशेंट कंडीशन क्यों नहीं है ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये एक ऐसा ग्राफ है जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है लेकिन आप यहाँ से ए से बी पे भी जा सकते हैं यहाँ इस एच के थ्रू आप इधर भी जा सकते हैं आप इधर भी जा सकते हैं आप सी से डी पे भी जा सकते हैं सी से ए पे भी जा सकते हैं तो आप हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जा सकते हैं लेकिन इस ग्राफ के अंदर हेमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता आपको मालूम है आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह कि स्ट्रॉगली कनेक्टेड होना किसी डायरेक्टेड ग्राफ का वो उसकी एक नेसेसरी कंडीशन होगी जिस तरह से कनेक्टेड होना नेसेसरी कंडीशन थी अन ग्राफ में इसी तरह से स्ट्रांगली कनेक्टेड होना वो डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होगी कि उसमें हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करे अगरचे जरूरी नहीं है कि उसके बावजूद भी वो एग्जिट करे तो हम कह सकते हैं कि अगर एक डायरेक्ट ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो उसमें हेमिल्टोनियन साइकिल हर सूरत में एग्जिट नहीं करेगा लेकिन अगर एक डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो ये मुमकिन हो सकता है कि उसमें हेमिल्टोन साइकिल एग्जस्ट करें तो अब पहले हम जरा ये देख लें आ, वो कौन से हालात हैं जिन जिन के ज़रिए से हम आ, एक ग्राफ को स्ट्रॉगली कनेक्टेड बना सकते हैं इसलिए कि स्ट्रांगली कनेक्टेड होना तो पहली शर्त है ना ये नाजिन आपके सामने एक अनडाइरेक्टेड ग्राफ नज़र आ रहा है आपको और ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है हम एज्यूम करें पैरल एजेस नहीं हैं और सेल फ्लूट भी नहीं है और नीचे इसके एक डायरेक्टेड uh, ग्राफ है जो भी कम्प्लीटली कनेक्टेड है कि हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक एक एज मौजूद है अब आप देखें कि जो ऊपर वाला ग्राफ है जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें आप कोई सा भी साइकिल ले लें जिसमें तमाम आप कोई सी भी परमुटेशन ले लें आप किसी वर्टेक्स से किसी वर्टेक्स पे जाएं उससे कहीं और जाएं उससे आपको एक हेमिल्टोनियन साइकिल हर सूरत में अनडायरेक्टेड ग्राफ में मिल जाएगा इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ में भी अगर वो कम्पलीटली कनेक्टेड हुआ लेकिन ये तो बहुत ही एक सख्त कंडीशन होगी ना अगर सारे इशारों को हमने आपस में मिला दिया तो आप जिस जिधर से जिधर मर्जी जाएं आपको हेमिल्टोनियन साइकिल मिल जाएगा शर्त यह है कि जिस वर्टेक्स को आप विजिट कर चुके उस वर्टेक्स पे दोबारा आपने नहीं जाना आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा कि आप नए वर्टेक्स पे जा सकते हैं और तमाम वर्टेक्स ट्रैवर्स होने के बाद आप फिर वापस भी आ सकते हैं तो ये तो एक आप, आप देख सकते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ कम्पलीटली कनेक्टेड अगर हो या डायरेक्टेड ग्राफ अगर कंप्लीटली कनेक्टेड हो तो क्या कुछ होता है अब आप नाजन ये देखें कि यहाँ पर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है एक कम्प्लीटली कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ को एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है और इसमें जो ग्राफ बनाया है वो डायरेक्टरी सिकली ग्राफ इसमें ही कोई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कंप्लीटली कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ से शुरू करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ना हो उस पर अगर हम डायरेक्शन डालें तो जरूरी नहीं है कि वह स्ट्रॉगली कनेक्टेड हो हमें कुछ और करना पड़ेगा हमें कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि किस तरह से उसको हम पहला काम यह करना चाह रहे हैं कि इसको स्ट्रांगली कनेक्टेड बना दें और वो क्या कंडीशन हैं जब वफिशियट कंडीशन क्या हैं कि वो ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्ट उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब देखते हैं कि हेमल्टोनियन बनाने के लिए क्या सफिशेंट कंडीशन है तो नाजिन अब आप ये देखें कि इसमें हम जो ऊपर वाला ग्राफ था जो कि डायरेक्ट ग्राफ था इसमें हम कुछ एजेस को ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अब आप देखें एक्स्ट्रा एज जो हमने एड की है वो सिर्फ ये है जो आपको नजर आ रही है यहां पर इस वक्त डिग्री तमाम वर्टसिस की यहाँ पे डिग्री वर्टसिस की आ, फोर है सम अगर मैं करूँ तमाम डिग्रीज का इन डिग्री यहाँ भी फोर है यहाँ भी फोर है यहाँ पे फाइव हो गई है यहाँ पर भी फाइव हो गई और अभी तक ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं हुआ हम आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रांगली कनेक्टेड ताकि आप महसूस कर सकें आप, आपको फीलिंग्स हो सकें यहाँ पर आप नाजरीन आप देखें कि इस आ, वर्टेक्स की डिग्री भी फाइव होगी मतलब पी हो गई है इसकी भी फाइव है इसकी भी फाइव है और इसकी भी फाइव है सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री फोर है और अभी तक ये ग्राफ स्ट्रोंगली कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब यह कि यह बहुत मुमकिन है जैसा कि इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़े ग्राफ के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा हो जिसका डिग्री सम इन डिग्री आउट डिग्री का वो पी माइनस वन हो बाकी सारों का डिग्री सम पी हो और फिर भी वो ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड ना हो तो ये फिर नाज्रीन अगर इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि सफिशेंट कंडीशन स्ट्रोंगली कनेक्टेड होने के लिए हम प्रूव भी करेंगे अभी लेकिन इस वक्त आपको ये इंट्यूटिवली महसूस होना शुरू हो जाएगा कि फॉर ए डायरेक्टेड ग्राफ टू बी स्ट्रांगली कनेक्टेड सफिशेंट कंडीशन यह है कि इन डिग्री और आउट डिग्री या तो इन डिग्री भी और आउट डिग्री भी पी बाई टू हो एग्जैक्टली exactly, यह हम देख चुके या इन डिग्री और आउट डिग्री फॉर ईच वर्टेक्स शुड भी उन दोनों का सम जो है वो पी के बराबर हो हम ये देख चुके हैं कि अगर ये बड़ी टाइट कंडीशन है ये अगर ये नहीं होता तो इस ग्राफ में आप ये देखिए कि सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा है जिसका डिग्री सम इन डिग्री आउट डिग्री सम जो है वो पी माइनस वन है बाकी सब का पी है और ये ग्राफ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब हम वाकई बहुत टाइट कंडीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं अब आप देखिए नाजरीन यहाँ पर हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किसी ग्राफ के अंदर अगर इन डिग्री और आउट डिग्री पी बाई हो डिग्री भी और आउट डिग्री भी दोनों p बाई टू हो तो उस ग्राफ में या तो किसी भी वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स तक एक डायरेक्ट एच होगी या टू एच पाथ होगा दूसरे अल्फाज में वो स्ट्रॉगली कनेक्टेड होगा ना सिर्फ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होगा बल्कि टू एच पाथ हर दो वर्टिस के दरमियान एग्जिस्ट करेगा ऐसा कैसे कह सकते हैं हम तो सिर्फ डिग्री की कंडीशन लगा के हाँ तो कोमल ये आपके सामने ग्राफ है इसमें आठ वर्टिस हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई सा भी ए वर्टेक्स पकड़ लें और कोई सा भी बी वर्टेक्स पकड़ लें अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए से या तो डायरेक्ट एज होगी बी तक और अगर ए से डायरेक्ट एज बी तक नहीं होगी तो फिर ए से किसी येलो वर्टेक्स पे हम जाएंगे और येलो वर्टेक्स से फिर हम बी वर्टेक्स पे जाएंगे अब जरा इसको दोबारा से इस स्लाइड को देखें देखें ए से चार एजेस बाहर निकल रही हैं और बी पे चार एजेस अंदर जा रही हैं इसलिए कि डिग्री इनकी पी बाई टू पी बाई टू है अब आप देखें हम एज्यूम कर रहे कि ए और बी के दरमियान एज नहीं है अगर एज हो गई तो फिर तो बात खत्म हो जाती है अब आप एज्यूम करें कि ए और बी के दरमियान एज मौजूद नहीं है ए को किसी येलो वर्टिक्स से कनेक्ट करें और ये भी एक तरह का पजल बन जाता है और कोशिश ये करें कि बी को इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करें कि ए से येलो वर्टिक्स और येलो वर्टिक्स से बी तक का पाथ ना बन सके बी की इनकमिंग एजेस को आप किसी ऐसे, ऐसे तो से कनेक्ट करें जिस जो ए से आउट गोइंग एज को ना कनेक्ट करें जी जी तो आप थोड़ी देर के बाद आपको एहसास होगा कि ये मुमकिन नहीं हो सकता आप अगर ए से चार एजेस निकालेंगे जो येलो वर्टस को जा रही हैं और चूंकि उनकी तादाद ये टोटल तादाद जो है यहाँ पर जो येलो वर्टसेज हैं उनकी तादाद छ के बराबर है चार एजेज येलो वर्टिसज को आ रही होंगी और छः वर्टसिज में से चार एजेज येलो वर्टिस से बी पे जा तो कहीं ना कहीं ओवरलैप आ जाएगा और जब वो ओवरलैप आएगा तो इसका मतलब ये कि ए से हम किसी येलो वर्टिक्स पर आ सकते हैं येलो वर्टिक्स से आप बी पे जा सकते हैं तो आपको टू एज पात हर हाल में मिल जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सफिशिएंट कंडीशन हम साबित कर सकते हैं कि अगर हर एज हर वर्टेक्स की इन डिग्री p बाई टू है और आउट डिग्री भी p बाई टू है तो इसका मतलब यह है कि वो ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा इसी लॉजिक को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिएगा आप मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर इन डिग्री और आउट डिग्री का सम पी के बराबर है तो भी यही चीज़ एग्जिस्ट करेगी अब आप देखिए कि हम दोबारा से आपको ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि फॉर ए डायरेक्टेड ग्राफ टू बी हेमल्टोनियन द इन डिग्री एज वेल एज आउट डिग्री फिर बी पी वाई टू और या फिर ये तीसरी कंडीशन भी आपके सामने है अच्छा जी अब हम आ, कोशिश करते हैं सफिशिएंट कंडीशंस निकालने के लिए कि उसमें डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर वो क्या सफिशेंट कंडीशन है कि उनके अंदर हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करें और फिर हमारे पास एक ऐसा एलगोरिथम भी होना चाहिए कि वो हम निकाल सकें आ, हम पहली बात ये करते हैं एल्गोरिथम से चलने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है और एज्यूम करें कि हमारे पास जो सफिशेंट कंडीशन हैं वो वही हैं जो स्ट्रॉगली कनेक्टेड के लिए थी मिसाल के तौर पे आ, जो हमने सफिशेंट कंडीशन के लिए स्ट्रॉगली कनेक्टेड की कंडीशन बताई थी वो ये वो ये थी कि इन डिग्री भी पी बाई टू होनी चाहिए आउट डिग्री भी पी बाई टू होनी चाहिए अब अगर ये चीज़ हम मान लें तो आ, Uh, क्या ये मुमकिन होगा कि दो वर्टसेज हमें ऐसे मिल जाएं एक्स और वाई कि एक्स से एज जा रही हो वाई को और वाई से एच जा रही हो एक्स को कमल आपने ये सोच के सवाल का जवाब देना है कि क्या एक ऐसे ग्राफ में एक ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ में जिसमें इन डिग्री हर वर्टेक्स की और आउट डिग्री हर वर्टेक्स की पी बाई टू हो क्या ये मुमकिन है कि हम दो वर्टसेस की निशानदेही कर लें जिनमें एक्स से वाई एच जा रही हो और वाई से एक्स जा रही हो ये ज़रा सोच के मुझे आप इस, इसका जवाब दें हमने ग्राफ में दो ऐसे वर्टसेस दिखाने हैं जिनका वन से अगर टू जा रही है तो टू से वापस ऐज जा रही होगी तो क्योंकि वन की डिग्री आउट गोइंग डिग्री तीन है इसका तो मतलब है वो तीन वर्टसेस से जाके कनेक्ट हो रही है अब उसकी इन डिग्री भी क्योंकि तीन है तो जरूरी है कि जिन वर्टसेस से वो कनेक्ट हुई है उसमें से एक ऐसा वर्टिक्स होगा जो वापस भी इन कमिंग ए, इन डिग्री के थ्रू आ रहा होगा ये अगर आप डायग्राम पर भी शो कर दें तो ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा जी ये मैंने डायग्राम पे आपके साथ शो कर दिया है तो इसमें हमारे पास ये गारंटी हमेशा मिलेगी कि हमारे पास दो वर्टेक्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको हम एक्स वाई कह रहे हैं और गारंटी क्या होगी कि एक्स से वाई एच जा रही होगी और वाई से एक्स एच जा रही होगी दूसरे अल्फाज में हमें एक साइकिल मिल जाएगा टू एच साइकिल मिल जाएगा नाजिन हमें एक हेमिल्टोनियन साइकिल चाहिए जो पी वर्टिस से गुजरता हो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वी हम एक्स और वाई स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हर एक्स के लिए कोई ना कोई एक वाई होगा जी हम ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई दो ऐसे वर्टिस होंगे कोई कोई हमें हो नहीं पता कौन से वाले होंगे रहे, रहे। लेकिन ये आप एल्गोरिस्मिकली ढूंढ सकते हैं के, आ, और ये पॉलिन टाइम में मुमकिन है ये करना कि आप एक साइकिल निकाल लें जि, जिसमें दो एजेज हों अब अगर हमने एक साइकिल निकाल लिया जिसमें दो एजेस हैं तो हम एक साइकिल तीन एजिस का भी निकाल सकते हैं हम आहिस्ता आहस्ता एजिस को बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी उसके बाद साइकिल निकाल लें p माइनस वन एजिस का और उसके बाद एक साइकिल निकाल लें P एजिस का और उस वो साइकिल हैमिल्टोनियन साइकिल होगा ना तो आ, अब आप देखें नाजरीन के ये हमारे पास एक साइकिल मिल गया दो एजिस का ये साइकिल ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ अब हमारे पास साइकिल दो एजेस का तो मिल गया अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास साइकिल तीन एजेस का मिल सकता है या नहीं या चार एजेस का मिल जाए ये भी हो सकता है कि हम जंप मार के चार एजेस पे चले जाए जरूरी नहीं कि दो एजेस का साइकिल मिल गया तो उसके बाद तीन का भी होना चाहिए हो सकता है चार का मिल जाए हम जंप लगा देखिन क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इसमें हर सूरत में तीन का या चार का साइकिल मिल जाएगा अगर हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएं तो हम शायद ये साबित कर सकें कि एल्गोरिथमिकली हम हेमिल्टोनियन साइकिल निकाल सकते हैं और ये अगर मुमकिन हो गया तो फिर इसका मतलब यह होगा या फिर आपने नोट किया होगा कि स्ट्रांगली कनेक्टेड की सफिशियंट कंडीशन ये थी कि इन डिग्री पी बाई टू होनी चाहिए आउट डिग्री पी बाई टू होनी चाहिए और अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यही सफिशियंट कंडीशन बन जाती है हेमिल्टोनियन होने के लिए तो बड़ा हम टाइट आ, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं नाजिन ज़रा ये देखिए आप गौर से यह भी हम साइकिल दो वर्टेसिस का हमारे पास है और हम तीन वर्टेसिस का साइकिल निकालने की कोशिश कर रहे हैं देखें ये मैं एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें से नंबर वन वर्टेक्स में से दो एजेस बाहर निकल रही हैं इसलिए कि एक एज तो साइकिल में इस्तेमाल हो गई है दो एजेस जो हैं वो हो सकता है कि हम लकी हों और हमें एक तीन एज का साइकिल मिल जाए अगर हमें तीन एज का साइकिल ना मिला तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फिर हमें हर सूरत में एक फोर एज का साइकिल मिल जाएगा या इससे बड़ा साइकिल मिल जाएगा तीन ऐसा बड़ा साइकिल मिल जाएगा ये अब आप जरा गौर से देखने की कोशिश करें इस स्लाइड के ऊपर कि यह किस तरह से मुमकिन होगा हमने कोशिश ये की है कि टू एच का साइकिल हमारे पास ये तो हमें दिया हुआ है थ्री एच का साइकिल हमने अवॉइड करने की कोशिश की है और आपको यह शो किया है कि अगर थ्री एच का साइकिल अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या चीज़ होगी तो नाजरीन ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस वक्त हम दूसरी एंड पे ज़रा देख लें मिसाल के तौर पे हमें p-1 वन का साइकिल मिल गया और वो हैमिल्टोनियन हमारे पास हैमिल्टोनियन साइकिल तो नहीं है वो तो एक साइकिल है p-1 वन का और अब अब हमारे पास सिर्फ एक वर्टेक्स बच गया क्या वो वर्टेक्स इस साइकिल में किसी तरह एडजस्ट हो सकता है कि हम साइकिल की लेंथ को एक बढ़ा दें आप ये आप नाजीन देखें यह जो वर्टिक्स बाहर पड़ा हुआ है इसकी इनडिग्री भी तीन है और आउट डिग्री भी तीन है इसको आप अगर इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें कि वो साइकिल uh, में एक लेंथ uh, का इजाफा ना हो तो आप देखें ये भी पजल की तरह ही है ये मुमकिन नहीं होगा वो हर हाल में ऐसा होगा कि आपको ये सूरत हाल मिल जाएगी कि आप टू से इधर आ रहे हैं और थ्री से आप इधर जा रहे हैं या टू थ्री में ऐसा मिल जाएगा या वन टू में ऐसा मिल जाएगा या थ्री फोर में ऐसा मिल जाएगा या फोर फाइव में या फाइव वन में कि आप इस साइकिल को ये वाली एच को आप तोड़ दें और आप एक नया साइकिल बना लें जो यहाँ से गुजरता हो और यहाँ से गुजरता हो और फिर वापस आता हूँ तो ये इस तरह से ये सारा कुछ कम्प्लीट हो जाएगा हमने पूरा यह एल्गोरिथम डिस्कस नहीं किया नाजरीन और हमने प्रूफ भी अभी इस तरह से नहीं किया कि आप इस काबिल हो जाते कि इसको एक फॉर्मल प्रूफ की सूरत में लिख सकते ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इसको पूरी तरह सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस इंटरेस्टिंग पेपर को पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें आपको अक्सर टेक्स्ट बुक्स में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी अगर आप वाकई एक्साइटेड हैं और आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है अच्छा नाज्रन इसमें अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के जा देखें कि वही ट्रांसफॉर्मेशन हमने की हुई है कि अगर राइट right ग्राफ के अंदर हमारे पास एक हेमल्टोन साइकिल है एक्सेट करने के बाद तो फिर जो लेफ़्ट्राफ है उसमें हेमल्टोन पाथ एग्जिस्ट करेगा और वह यू से शुरू होगा और वी पर जा ख़त्म होगा क्या हम ये कह सकते हैं कि हेमल्टोन साइकिल हर सूरत में एक्स प्लस जी ग्राफ में एक्जस्ट करेगा ये डायरेक्टेड ग्राफ है ये वन अन डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है यहाँ पे क्लोजर की बात हम कर सकते हैं या सिर्फ या नहीं कर सकते कोमल आप भी ज़रा ये सोचते हैं इस सवाल का नाजर आप भी ये सोच लें कि अन डायरेक्टेड ग्राफ में जब हमने ये बनाया था तो हमने कहा था कि की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि क्लोजर कम्प्लीट हो जाए इस प्रॉब्लम को भी जहन में रखें और इस वाले प्रॉब्लम को भी जहन में रखें यह प्रॉब्लम भी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए है और यहाँ पर हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या औरिजिनल ग्राफ में हेमल्टोनियन पाथ कोई सा भी हेमल्टोनियन पाथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो यू से स्टार्ट होता हो और वी पे खत्म होता हो हम कह रहे हैं कोई सा भी हेमल्टोनियन पाथ ग्राफ जी में एग्जिस्ट करता है हम ये करते हैं कि एक्स एड कर देते हैं अब इस दफा हमने जो एक्स एड किया है उसको जब हमने कनेक्ट किया तमाम वर्ज के साथ तो बाई डायरेक्शनल एजिस के साथ हमने कनेक्ट किया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हेमिल्टोनियन साइकिल इस राइट right ग्राफ में एग्जिस्ट करेगा और के की क्या वैल्यू हो तो हेमल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करेगा और कम अज कम इतनी डिग्री के की होनी चाहिए कि वो हेमिल्टोन साइकिल एग्जिट करेगा इस प्रॉब्लम में भी देखें और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी देखें ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेंगे कि आप ये सोच सकें कि वो जो हमारे पुराने टूल्स थे वो कितने इफ़ेक्टिव थे मैं नहीं चाहता कि आप इस वक्त फ़ौरी तौर पर इस सवाल का जवाब दें मैं ये चाहूँगा कि आप इसके बारे में गौर करें ज़रा आप उसमें डिस्कस करें आ, देखें कि इनमें से कौन से प्रॉब्लम्स कौन से क्वेश्चन जो हमने रेस किए हैं वो यहाँ पर आप सॉल्व uh, कर सकते हैं उनको अपनी पुराने जो हमने नो हाव आपको दिया था हेमल्टन ग्राफ्स के हवाले से वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं नाज़रीन हमने अन ग्राफ्स में हेमल्ट ग्राफ्स डिस्कस किए हमने डायरेक्टेड ग्राफ्स में हेमल्टन ग्राफ्स डिस्कस किए और वो सफिशन कंडीशंस डिस्कस कि वो एल्गोथम्स डिस्कस किए जिसमें आप हेमल्टन साइकिल निकाल सकते हैं ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हो सकता है ग्राफ में हेमल्टोन एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो सफिशियन कंडीशन ना पूरी हों तो फिर आपका एल्गोरिथम उसमें फेल हो जाएगा हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक और बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा हमने डायरेक्टेड uh, ग्राफ्स और स्ट्रॉली कनेक्टेड ग्राफ्स का एक पूरा चैप्टर इसके बाद पढ़ना है और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर uh, हम एक कंप्लीटली कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ से एक डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ जाते हैं तो उसको हम एक टूर्नामेंट ग्राफ कहते हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर पैरल एजेस की ये गुंजाइश भी नहीं होगी कि ए से बी और बी से ए डायरेक्टेड एज हो इसलिए कि हम एक अन ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसे ग्राफ्स को हम टूर्नामेंट ग्राफ्स कहते हैं अच्छा अब ये टूर्नामेंट्स ग्राफ्स में एक मज़ेदार बात यह होती है कि इनमें हर सूरत में एक हेमल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है और ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टूर्नामेंट्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर कि अगर टूर्नामेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जो कि जरूरी नहीं कि वो हो लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो तो उसमें हर सूरत में एक हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है उसमें मजे की बात यह कि उसमें ना सिर्फ साइकिल टू लेंथ का एग्जिस्ट करता है टू एज लें बल्कि थ्री एच का भी करता है फोर एच का भी करता है फाइव का भी और पी माइनस वन एच लेंथ का भी एग्जस्ट करता है यहाँ पे आपने नोट किया उस एल्गोरिथम के हवाले से मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि आप देखिएगा उस पेपर के अंदर यहाँ पे मुमकिन है कि टू एच का तो हर सूरत में एग्जिस्ट करता होगा लेकिन टू के बाद हम जंप मार सकते हैं फ़ोर या फ़ाइव के ऊपर और उसके बाद आगे जा सकते हैं यहाँ तक कि हमें हेमिलटोर साइकिल मिल जाए तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे यकीन है बहुत इंटरेस्टिंग होंगी ये सारे प्रॉब्लम जो हमने आज डिस्कस किए इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा नाजरीन हमें यकीन है कि आपने आज का एपिसोड इन्जॉय किया होगा नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अब हमें इजाजत दीजिए यासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए कोमल सैद को इजाज़त दीजिए खुदाफि